भगवान के पूजा के निमित्त सारी सामग्रियों को एकत्रित कर अपने घर जाता है और प्रातः काल उठकर अपने सभी बंधु भावों के साथ मिलकर पत्नी संग धर्म परायण होकर भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करता है और कथा को श्रवण करने के उपरांत प्रसाद का भोग लगाता है, सबको प्रसाद का वितरण करता है और स्वयं पाता है। भगवान सत्यनारायण से भगवान श्री सत्यनारायण का मासिक पूजन कर रहा होता है तो उसी समय सदानंद के घर स्थान से गुजरता हुआ एक लकड़हारा जाता है, शंखनाद की ध्वनि को सुनता है और प्यास से व्याकुल होता है। भगवान श्री सत्यनारायण जी के जो मंदिर का जो प्रांगण जो पीठ बनाया होता है उसमें प्रणाम करता है और जब सदानंद द्वारा उस लकड़हारे डाल दिया जाता है तो लकड़हारा भी बड़े भाव से वही प्रश्न करता है जो कि सदानंद ने प्रश्न किया होता है। लकड़हारा भी कहता है कि आप इतना भव्य एवं दिव्य पूजन किसका कर रहे हैं, तो सदानंद बताते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण जी का ये व्रत कथा है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज मैं समस्त चीजों से परिपक्व हूँ, धन विवेक आत्मबल सब चीजों से। जब ऐसा लकड़हारा सुनता है तो उसके मन में भी भगवान की पूजा करने का भाव उत्पन्न होता है और वह भी मन में सोचता है कि आज मैं जो भी धन एकत्रित करूंगा अपनी लकड़ियों को बेचकर उससे भगवान का पूजन करूंगा। प्रसन्न चित्त से वह नगर में लकड़ियों को बेचने निकलता है और प्रतिदिन उसे लकड़ियों का जो मूल्य प्राप्त होता है उससे दुगना मूल्य उसे प्राप्त होता है। धन आने के उपरांत प्रसन्न चित्त से अपने घर की ओर जाते वक्त भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा से के निमित्त जो भी सामग्री इत्यादि होती है वो समस्त सामग्रियों को एकत्रित करता है और एकत्रित करके कृपा से अनुकंपा से धन धान्य निरोगी एवं समस्त फल को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान की शरण में जाता है। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथाया द्वितीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय का ओ भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण।
संक्षेप में सुना, 5 मिनट में 3 अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा की कथा है ना। राजा दुखी थे। क्यों दुखी थे राजा? कहते भैया संतान नहीं था जीवन में, है ना। संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे धर्म पत्नी के साथ भगवान का व्रत एवं पूजन करते। एक बार पूजन कर रहे थे, वहां पर साधु नाम का बनिया आया। बनी ने पूछा, किमर्थं कुरुषे राजा भक्ति युक्ते न चेतसा। इतने भाव भक्ति से, हे राजा क्या कर रहे हो आप? कहा भैया मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। बोले अच्छा, तो इससे क्या होगा? कहा भैया वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। बोले मतलब? कहा लोगों ने कहा कि तुझे संतान नहीं होगा, है ना। अब आ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सत्यनारायण व्रत से सब कुछ संभव है। कहा भैया इस प्रकार से सत्यनारायण यजे श्रीवनिशाम। कहा भैया बोला सब संभव है। साधु नाम के बनिए ने सुना, अपने घर पे क्या था, वो व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा कि देवी मैं सारा धन समाप्त हो गया, बेटी जब बड़ी होगी ना तो विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतो प्रिय। विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार के लिए चले गए। व्यापार करके जब पुनः लौटे हैं, बेटी विवाह के योग्य देखा, दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत पूजन करना भूल गए, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं एक बार वही दामाद के साथ जहां व्यापार करने गए, वहां पर राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे, लकड़ी के गट्ठर को वहीं पर रख करके, और वहां पर जो धन राजा का चुराया हुआ था सब वहीं रख करके जाकर के छिप गए, और इस प्रकार से सारा धन जब धन के साथ पकड़े गए तो धन के रक्षक दूतों ने इन्हें ही चोर समझकर ले जाकर के कारागार में डाल दिया, और
घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। इसलिए कहते भैया कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, कब जीवन बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता, कब समय अच्छा है अनुकूल है कब प्रतिकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो क्या करिए, कहते भैया जब भी समय मिले भगवान की शरण में रहिए। और ये गीत है, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में मांगने लगी। भिक्षा भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची, देखा वहां पे क्या देखा कि वहां पे भगवान का पूजन हो रहा था। बिटिया ने जैसे ही भगवान का पूजन देखा, कुछ देर रात होने पे घर गई, माँ ने पूछा पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किमते मनसि वर्तते। इतनी रात को बेटी कहां रुक गई, तेरे मन में क्या है? बेटी ने बताया कि माँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। माँ रोने लगी, माँ को रोता देख बिटिया ने पूछा कि मैया काहे, ये तो मैंने अच्छी बात बताई फिर काहे दुखी हो रही। कहा बेटी लोगों ने कहा था संतान नहीं होगा और भगवान की कृपा से तेरा जन्म हुआ, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि भगवान को ही भूल गए इसीलिए हम दुखी हैं। बोले अच्छा, तो कहा भैया देखिए भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, मैया कुशी भगवान की शरण में चलना चाहिए। बस एक बार आ जा भगवान शरण में, बस एक बार आ जा भगवान की शरण। यह समय निकाल के चलना होगा भैया। दोनों ने अगले दिन पूजन का संकल्प किया, भिक्षा में जो मिला भगवान का पूजन किया। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया कि दोनों निर्दोष से मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, भयभीत हो गया। राजा ने दोनों को मुक्त किया और तुरंत जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। जय जय श्री तुम्हारे रेवा खंडित नाम बताया धरती योग्य तेरे नाव में क्या है, मन में कपट भरा था, है ना? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? मानस में दादा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन मोहि सो जहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
पावा, निर्मल जन जन सो मोहि पावा। आओ एक पट छल छेद्रन भावा, ओ एक पट छल छेद्रन भावा। सुंदरकांड है ना, सुंदरकांड में भगवान कहते हैं कि भैया निर्मल मन से जो ठाकुर जी को पुकारता है रीत जाते हैं, जो कपट करता है भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। यहाँ कपट किया, झूठ बोला। क्या झूठ बोला? भगवान ने पूछा, बेटी तेरी नाव में कुछ भरा भरा सा रख रहा है, काले क्या आया? झूठ बोला। बोला लता पत्र आदि का ऊंचे कहा, मसाला तेज पत्ता ये सब भरा है, मैं तो बनिया हूँ। बोले हाँ वो तो मैं जानता हूँ तेरे बारे में, ठीक है सत्यम भवतु ते वचः, तेरे बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात मसाले बन गए, नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगे। दामाद को पूछा, बेटे समस्या कोई? दामाद ने कहा, हाँ पिताजी बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले सब कुछ चला गया, राजा ने जो दिया था यहाँ कुछ नहीं है। बोले तो है कैसे? कहा वही है जो आपने कहा था, है ना, क्या तेज पत्ता मसाला। भगवान बोला अच्छा ठीक है बेटे। और जब स्मरण आया कि भैया सब लुट गया, घर जाकर के मुंह क्या दिखाएंगे, इतने साल कारागार में थे, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया और जगाया, तुरंत दौड़ करके भगवान के पास जाने के लिए कहा कि जाइए देखिए वो बैठे हैं, उनके शरण में जाइए। भगवान के पास गए और रोने लगे, है ना, रोने लगे। भगवान ने कहा, मारो दी श्रीमद वाक्यों मम पूजा बहिर्मुख, कहा रो मत बेटे मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे दुख मिला। कहा भगवान आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा तथास्तु, कह के भगवान चले गए। बोले क्या चाहिए? कहा पूरा वितम जो तत्सर्वम त्राही माम शरणागत, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए, सब कुछ मिल गया। जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो भगवान के पूजन का मन में भाव रखा, संकल्प लेके आगे बढ़े, घर के पास पहुंचे, धन के रक्षित दूतों को घर पे भेजा। घर पे माँ बेटी पूजन कर रही होती है, सुना, पूजा को अधूरा छोड़ के माँ गई, बेटी ने प्रसाद को छोड़ दिया, है ना, प्रसाद के तिरस्कार करने से दुख मिला, जिसके लिए गई वो जल में डूब गया। सुना तो रोने लगी आकाशवाणी में कि साधो तेरे बेटे ने प्रसाद का अपमान किया, है ना। तुरंत बिटिया को बुलाया, बेटी इधर आ, वो जो प्रसाद लिया तूने? कहा नहीं पिताजी, प्रसाद तो हमने वहीं त्याग दिया। बोले इसलिए तो दुखी है, आज तेरे दिन में जीवन में जो समस्या आई है उसी के परिणाम। बोले तो क्या किया जाए पिताश्री? कहा जा पहले प्रसाद ले। दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया और यहाँ नदी के किनारे पहुंची तो देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे, है ना। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और उसके बाद से भगवान जब जब समय मिलता पूर्णिमा संक्रांति भी पूजन करते, यहाँ सुखी रहे शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम हो गए। सत्यनारायण भगवान की परम्मा। और पांचवें अध्याय की कथा छोटी थी, तुंगभद्र नाम के राजा की कथा। राजा बड़ी प्रजापालक है फिर भी दुख मिला, क्यों मिला? कहते तस्य पुत्र शतम नष्टवा, है ना, कहते वो राजा वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके वृक्ष नीचे बैठे, क्या देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न गए न नमस्कार किया, प्रसाद जब दिया बच्चों ने तो प्रसाद को फेंक दिया, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? अपने नगर में गए सब कुछ समाप्त हो गया, है ना, और जब सब कुछ समाप्त हो गया, सौ पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया, तो हृदय में पीड़ा होने लगी कि अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। पुनः हृदय अंतरात्मा से आवाज आई कि तूने भगवान का अपमान किया, है ना, जो जगत के मालिक है तूने उनका अनादर किया, इसलिए आज ये दिन आया। पुनः गए, ग्वाल वालों को बुलाया और बैठ करके यजमान के स्थान पे बैठ कर पूजा करने लगे और भगवान से प्रार्थना करी है। पकड़ लो बाह रघुराए, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो बाह रघुराए, नहीं तो डूब जाएंगे, दोबारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करी, मेरे सारे अवगुण को क्षमा करी। भगवत कृपा से प्रसाद को जैसे ग्रहण किया और रोते रोते नगर में गए, वहां सब कुछ पहले की तरह था। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके भगवान की कथा पूजा को करने लगे। और भगवान सूर्य महाराज कहते हैं कि वही एक भगवान अनेक रूप लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं।
वही कभी राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं, कभी गणपति बनते हैं, तो भक्तों का कल्याण करते हैं। कहते हैं भैया जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने, सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की भक्ति करी और भगवान के श्रीलोक धाम को गया। और जो लंगड़हारा कहते हैं, जो उनका मित्र लंगड़हारा है, वो केवट जी बने, केवट जी ने चनामत पान किया है ना भगवान के धाम को। तीसरे अध्याय में जो संतान के लिए पूजन करते हैं, कहते हैं भगवान स्वयं उनके पिता पुत्र बन करके आए, वो महाराज दशरथ बने है ना, और भगवान ने राम रूप में जन्म लिया और दशरथ जी को इतना प्रेम था भगवान से, कहते भैया राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम राम कहते हुए देह को त्याग दिया है ना, राम राम कहते हुए महाराज जी ने शरीर को त्यागा और भगवान के साकेत धाम को गए। ये नाम की महिमा है, वो कितना भी पापी जीव हो अंत में अगर भगवान का नाम ले लेता है तो कहते हैं भगवान की कृपा से उसका उसे मुक्ति मिल जाती है। महाराज जी भगवान के धाम को गए और बताते हैं कि जो छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है ना जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भगवान की भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान के साकेत धाम को गए। और जो अंतिम अध्याय में महाराज थे वो क्या बने, कहते भैया स्वयंभू मनु बने, सर्वान भागवतान जितने भी भागवत कर्म होते हैं सभी भागवत कर्म को किया और भगवान के कहते हैं वैकुंठ लोक को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भगवान की भक्ति करने के कारण वो सभी गौलोक धाम को गए। प्रेम के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भैया थाली उठा के माथे लगा लिए, यज्ञ नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः, चलिए आहुति दीजिए दोनों लोग, थोड़ा थोड़ा स्वाहा पुनः बिठाना है। गंगणपतये स्वाहा। देखिए गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरीये स्वाहा। हाँ खुल बहुत तेज धुआं आएगा ना। ओम गौरीये स्वाहा, ओम गौरीये स्वाहा। एलेक्सा Turn off AC. It's on. चला, चला भैया। ओम हरि ओम गौरीये स्वाहा, ओम गौरीये स्वाहा, ओम ह्रीं ब्रूं सूर्याय स्वाहा, ओम ऐंक्लीं सोमाय स्वाहा, ओम हुं श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम ऐं श्रीं शिंबुधाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं ओं बृहत्पतये स्वाहा, ओम रीम श्रीम शुक्राय स्वाहा, ओम रीम श्रीम शरीशराय स्वाहा, ओम ऐं रीम राहवे स्वाहा, ओम ऐं रीम राहवे स्वाहा, ओम रीमीं केतवे स्वाहा, अधिदेवताभ्य स्वाहा, प्रत्येक देवताभ्य स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, दश